स्टॉक जो अभी तक काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर एक पॉजिटिव फॉर्मेशन आज के चार्ट में यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। स्टॉक ने अपने 2450 2460 के जोन पर मल्टीपल सपोर्ट्स लिए और उसके बाद बहुत ही अच्छी रिकवरी यहाँ पर आते हुए नजर आई है। स्टॉक में अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं आया है, इसलिए जो आईवीज है वो अभी भी कम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़े मूव की तैयारी अनिल जी होते हुए नजर आ रही है और इस अपसाइड को एचडीएफसी को प्ले करने के लिए अनिल जी 2500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की राय रहेगी, जो कि लगभग 50 से 52 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। अनिल जी, इसको 1 से 2 दिन के नजरिए के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2600 से ऊपर चलने के लिए तैयार है और इस अपसाइड को प्ले करने के लिए, जैसा मैंने बोला कि 2500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 50 से 52 रुपए पर, यहाँ पर 38 रुपीज के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अनिल जी। और यहाँ पर जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 80 रुपए का और उसके बाद यहाँ पे 92 रुपए तक का दूसरा टारगेट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड में तेजी की राय है और 2500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदकर इस तेजी को प्ले किया जा सकता है। के अंदर अनिल जी मूव देखने को मिल रहा है ऊपर का, स्टॉक के अंदर खरीदारी करें और पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और ये जल्दी 3 डिजिट में जाने को तैयार है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग स्टॉप लॉस लगाए 86-87 के आसपास का फ्रेश खरीदारी के लिए, सेम स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 99 से 100 रुपए तक के इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। और एक बार 100 के ऊपर सस्टेन किया तो मूव और एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। आपकी करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करके चले वेंटीज में, पिछले कुछ दिनों से ये मेरे रडार पर था जिस हिसाब से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी एक अच्छे रनअप के बाद, और 3400-3450 के जोन में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर वापस से स्टॉक एक अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। अनिल जी, 3750 और 3800 रुपए के बिल्कुल शॉर्ट टर्म के यहाँ पर टारगेट रहेंगे जो कि मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट पोजिशनली अनिल जी, वेंकेट का जो चार्ट सेटअप है वो कहीं ना कहीं और इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक अपने नए हाई की ओर जाता हुआ नजर आएगा और 4500-4600 के ऊपर के टारगेट यहाँ पर मीडियम टर्म में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अनिल जी वेंकेट में खरीदारी करने की सलाह देगा।